ओम शांति। हम सभी इस संसार में कितने भाग्यवान हैं, जरा सोचें, जो स्वयं भगवान हमसे मिलन मनाने आते हैं। कितना प्यार का स्वरूप होता है उनका, कितनी प्यार भरी दृष्टि देते हैं वो। अपने प्यार में अपने सभी बच्चों को बांध लेते हैं, उनका श्रृंगार कर देते हैं, उनमें शक्तियां भर देते हैं। जरा इस प्राप्ति पर गौर करें और अतीन्द्रिय खुशी में डांस कर लें। देखें अपने महान भाग्य को, जिसे लोग ढूंढ रहे हैं, जिसके दर्शनों के लिए त्याग और तपस्या कर रहे हैं, जिसकी नजर से निहाल होने की इंतजार कर रहे हैं। वो कैसे साधारण रूप में आकर अपने बच्चों का श्रृंगार करते हैं, उनकी जन्म जन्म की प्यास बुझाते हैं। तो अपनी प्राप्तियों को याद करें, रोज सवेरे अपनी प्राप्तियों को याद कर लिया करें। सवेरे जरूरी नहीं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। क्या क्या मिला इस जीवन में, क्या क्या देखा इन आँखों से, संगम युग पर हमारे तो भाग्य के द्वार ही खुल गए। कितना महान बना दिया उसने हमें, जिसको जानने के लिए भी हम वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद पुराण सबकी स्टडी करते थे। उसके मुख के द्वारा हमने उसको जान लिया, सत्य ज्ञान के धनी हो गए हम। जन्म जन्म की खोज समाप्त कर दी उसने आकर। और सबसे बड़ी चीज ये कि वो स्वयं हमारा सहारा बन गए। जरा सोच के तो देखो, संसार में ऐसे कितने लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं, और हमारा सहारा है स्वयं भगवान, सर्वशक्तिवान। अपने सभी संकल्प, अपने सभी बोझ, अपनी सभी चिंताएं हम उसको दे सकते हैं। ये कला हमको सीखनी है, स्वयं को कैसे हल्का करें, उसे जुड़ जाएं, उस पर अधिकार कर लें और सौंपने लगे सब कुछ उसको। देखें जीवन कितना आनंद से भर जाएगा। तो रोज सब प्राप्तियों को याद करते हुए हमें अपने को बहुत खुश रखना है। हमारी खुशी प्राप्तियों की खुशी, प्रभु मिलन की खुशी, और भविष्य में हमें विश्व का राज भाग्य मिलने जा रहा है ये खुशी। और जिनको ये नशा न चढ़ता हो वो जरा सोचें क्या मिलेगा। सबको अथाह धन संपदा प्राप्त हो जाएगी, जितना यहाँ बड़े बड़े साहूकारों के पास भी नहीं है उतना वहाँ साधारण प्रजा के पास होगा। सभी भरपूर होंगे, स्वस्थ तन होगा, संबंधों में प्यार की सरिता बहा करेगी, कमाने की कोई चिंता नहीं होगी। आजकल तो आप देख लें, अपने परिवार को चलाने के लिए एक एक मनुष्य को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। 2 युग तक कुछ भी कमाना नहीं होगा, प्रारब्ध मिलती रहेगी संगम युग की। और जरा इस पर भी गौर करें, बाबा कितना मेहरबान है, कितना भोलानाथ है। हम तो उसके लिए कुछ भी नहीं करते और वो हमें क्या क्या दे जाता है। हम अपनी सेवाओं पर ध्यान दें, हम उसके यज्ञ में कितनी मदद करते हैं उस पे ध्यान दें, बहुत कम है। और जो प्राप्ति है वो असीमित है, बेहद की है, अनलिमिटेड है। याद करें अपने बाप के इस प्यार को और खो जाएं इस प्यार में, इस खुशी में, इस आनंद में झूमने लगे तो चेहरों पर तेज आ जाएगा। और छोटी छोटी बातें जो रोज जीवन में आती हैं उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हम अपने मन पर, अपने चित्त पर इन प्राप्तियों की खुशी को छा दें,
छाप दें तो छोटी बातों की छाप हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। लेकिन मनुष्य गलती करता है, वो छोटी बातों की छाप डाल लेता, उनका इफेक्ट डाल लेता है, तो खुशी नष्ट कर लेता है। तो आज सारा दिन प्राप्तियों को याद करेंगे और सूक्ष्म लोक में जाकर बाप की प्यार भरी दृष्टि पाएंगे और हर घंटे में दो बार बाप दादा का अपने पास आह्वान करके उसका वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। ओम शांति।